लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है और अभी से ही चुनावी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां भाजपा ने अपने दिग्गजों को जमीन पर उतार दिया है और पार्टी को हर बूथ पर मजबूत करने को लेकर कवायद शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर रणनीति अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुई है और अगली बैठक शिमला में तय हुई है। वहीं पटना में हुई बैठक में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए थे। पटना की महाबैठक के बाद से अखिलेश यादव आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इस बैठक के बाद सवाल उठा कि क्या अखिलेश यादव मायावती के साथ फिर से गठबंधन करेंगे। इसको लेकर अखिलेश यादव ने इशारों ही इशारों में बड़ी बात कह दी है और भाजपा सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। देखिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। इस बार मैंने कहा जनता एक है और आपको बताया नहीं मैंने एनडीए को पीडीए हराएगा और पीडीए को आप समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और पीडीए हराएगा। लेकिन कैसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई मिलकर के इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। हम लोग मिलकर के काम करेंगे और हमने अपनी राय कई बार दी और बताए यही है कि जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल भी होना चाहिए और मुझे उम्मीद है जिस तरह की बातचीत हो रही है सब लोग बड़ा दिल करके ही आगे बढ़ेंगे। ये सरकार कैसे काम कर रही है? जो संविधान जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है उन अधिकारों को नहीं छीना जा रहा। अगर प्रेस के लोग भी सच्चाई चला दें तो क्या मुकदमे नहीं दर्ज हो रहे? अभी तक जितने प्रेस के लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं इतने शायद इमरजेंसी में भी दर्ज नहीं हुए होंगे। और जब हम और आप लोग इमरजेंसी पर बात कर रहे हैं, मुझे याद है उन्नाव का एक नौजवान पत्रकार हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था और उसने कहा था कि अगर मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी, अगर मेरी मदद नहीं होगी तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको गोली मार दें। और वो आज दिखाई दे रहा है हमको, कल रात तो उसको गोली मार दी। किसी पत्रकार को गोली मार देंगे आप जमीन कब्जा करना चाहते हैं? क्या ये इमरजेंसी से खराब माहौल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये फोटो ऑप था। आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी के कंधे पे हाथ रख करके फोटो ऑप कौन कर रहा था? और हम और आप लोग तो कभी मेकअप करके फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन बीजेपी का कोई नेता है बिना मेकअप के फोटो ही नहीं खिंचवाता। और हम आप लोग कभी कपड़े नहीं तय करते हैं कौन से कपड़े पहन के जाना है, वो तो बाकायदा तय करते हैं कि आज ये प्रेस है तो ये कपड़े होने चाहिए और ये रंग होना चाहिए। देखिए भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन भविष्य ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और इस बार जनता ने मन बना लिया है। और हम समाजवादी लोग पीडीए का नारा देकर के समाजवादी और पीडीए मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है उसका सफाया करेंगे। बहरहाल अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या एक बार फिर से सपा और बसपा साथ आती हैं या नहीं। वैसे आपका इस पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।